ग्राफिक ईक्यू यूज करने से क्या होता है? हे एवरीवन, सो अक्सर एक क्वेश्चन आता है, सर ग्राफिक ईक्यू यूज करने से क्या होता है? सो आप स्मार्ट में देख सकते हैं, अभी मेरा सब कुछ लीनियर है, एक चैनल मेरे आउटपुट पे डायरेक्टली आ रहा है और एक चैनल ग्रुप होते हुए आ रहा है, और मैं उस ग्रुप में बेसिकली ग्राफिक ईक्यू डाल रहा हूं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वो अगर एक ऑक्स है, एक ही बात है, अल्टीमेटली आउटपुट है। सो ये पर्टिकुलर चैनल को, जो मेरा एक ग्रुप है, इस पे एक मैं ग्राफिक ईक्यू डालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सीटी आ गया 2000 में और आपको कभी एग्जैक्टली पता भी नहीं चलता कि 2000 है या 1000 है, क्या आसपास है। सो मैं उसको काटना शुरू कर देता हूं कि मैंने 2000 पहले घटाया, 2000 घटाते देख सकते हैं उसका फेज क्या हो गया। अब बिकॉज मुझे कंफ्यूजन है, उससे भी नहीं हुआ, सो मैं आसपास के नोबों को भी ऐसे घटाना शुरू कर दूंगा। अब देखिए वो फेज पे क्या हो रहा है ना, और उसी तरह से फिर 8000 पे आ गया, 8000 काट दिया मैंने, और फिर लो एंड पे आ गया कि 250 पे आ गया, ये भी काट दिया। सो फेज ग्राफ देखो, फेज हमेशा लीनियर होना चाहिए ताकि हर चैनल आपस में जुड़ जाए, समेशन हो। लेकिन जब आपका फेज ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड और एक इसी तरह से पास में और एक मॉनिटर है, उस पे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी काट के रखा है, सो जितना आप फ्रीक्वेंसी काटते जाओगे ग्राफिक ईक्यू में, वो दोनों मॉनिटर अभी आपस में लड़ना शुरू करेगा, क्योंकि किसी का 1 kHz का फेज में भी ऊपर है, वही पास वाले मॉनिटर का 1 kHz फेज में भी नेगेटिव में है। अब बिकॉज वो दोनों मॉनिटर आस पास है, वो 1 kHz कैंसिल हो जाएगा आपके वहां से, जो हम नहीं चाहते हैं। सो आपका ट्रू टोनैलिटी जो मॉनिटर का है, वो खराब होने लगेगा। इससे बेहतर है, जो मैंने इतना सारा 2K को मिडिल रख के जो मैंने ये किया है, इसके जगह मैं एक पैरामीट्रिक ईक्यू लगा देता हूं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सीटी बज रहा है। हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके जगह अगर मेरा ये ग्रुप है, इसके पैरामीट्रिक पे जाता हूं और मैंने 2000 को सेंटर पॉइंट बना के घटाया। अब आप देख सकते हैं फेज बहुत ज्यादा आपका ब्रेक नहीं हो रहा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपको 8000 में भी घटाना है, चलो वो भी घटाते हैं। सो इसको करते हैं 8000 और इसको घटाते हैं सीटी काटने के लिए। अभी देखिए फेज और पहले का फेज क्या था, फिर 250 लो एंड में काटने लगा, लेकिन आपको पता नहीं, आपने 250 भी हटा दिया, 100 भी हटा दिया, उसके जगह चलो 250 को एक सेंटर पॉइंट बना के हम घटाते हैं। फिर भी फेज देखिए, ये पहले के मुकाबले कितना लीनियर। सो ग्राफिक ईक्यू अवॉइड कीजिए, सीटी खत्म करना है, ट्राई पैरामीट्रिक ईक्यू ब्रॉडर ईक्यू के साथ, कि उसके साथ आसपास के फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा सा घट जाए, आप नॉर्मलाइज कर पाओ। I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा अबाउट ग्राफिक EQ। फॉर मोर videos, लाइक सब्सक्राइब, और बहुत सारा videos आएगा हिंदी में, सो वेट फॉर इट। थैंक यू।